5 4 3 2 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज वर्षा की बहुत कमी है। खास तौर से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 15 साल पहले जितना वर्षा वहाँ होती थी उतनी वर्षा आज भी होती है। नहर के पानी को वहाँ पहले ही लिया जाता है। बांध बना हुआ है किंतु हमारे यहाँ के लिए पानी नहीं दिया जाता है। पानी ना मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ नलकूप भी लगवाए गए हैं जिससे लोगों को लाभ पहुँचा है, उन्हें पानी मिलने लगा है, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं पहली योजना से ही प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाए। वहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके, लेकिन हर बार यह कहकर बात टल जाती है कि बहुत बड़ा बांध बन रहा है। जब बांध बन जाएगा तो पानी की कमी नहीं होगी, सबको पानी मिलने लगेगा। 4 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है, पता नहीं कब बांध बन पाएगा और कब हमारे क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी की व्यवस्था होना कितना जरूरी काम है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था तो नहीं हुई, पर सरकार ने नलकूप पर कर लगाकर अच्छा नहीं किया है। जो कर लगा दिया है उससे तो इस काम में बाधा पैदा होगी। यह बड़े ही दुख की बात है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें जिससे किसानों को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इस वर्षा के मौसम में बारिश नहीं हुई है जिसके कारण इस साल पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं पैदावार पिछले साल के बराबर हो जाएगी। यदि वर्षा हो जाती तो निश्चय ही हमारे देश की हालत अच्छी हो सकती थी। जब अनाज की कोई कमी नहीं होती तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर अनाज भेजने की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को अनाज मिल रहा है। इसी कारण कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा है। यह
हमारे देश के लिए बड़े संतोष की बात है।